उसमें हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन करके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया, और उस नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर मेरे को आसीन किया बहन जी ने। मैं अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री जयप्रकाश सिंह जी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री जयप्रकाश सिंह जी को भी पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, जो हम दोनों मिलकर पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसा कि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का समय समय पर हमको जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम पार्टी के संगठन में को मजबूत करने का काम करेंगे। अब जो जिम्मेदारी की बात करें, वो युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इससे क्या लगता है युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है बसपा में, और आगे की जो रणनीति है उसमें कितनी भूमिका रहेगी युवाओं की? देखिए, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगभग 2 वर्ष पहले ही ये घोषणा की, और जो पार्टी के संगठन का स्वरूप है उसमें बहन जी ने कहा और निर्देशित किया कि संगठन में 50% युवाओं को एडजस्ट किया जाए, उनको पदाधिकारी बनाया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए बहन मायावती जी ने जब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए पूरे देश में बहन जी ने, तो पुराने पदाधिकारियों में कार्यकर्ताओं में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, और युवाओं में बहन मायावती जी ने यूथ को ध्यान में रखते हुए श्री जयप्रकाश सिंह जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब हम मिलकर पूरे देश में युवाओं को जोड़ेंगे और युवाओं को सभी पदों पर एडजस्ट करेंगे। हालांकि पूरे देश में हमारे पदाधिकारी युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं, उनको पदों पर रखने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि बसपा ही अब बीजेपी को रोकने की एक लास्ट एक उम्मीद दिख रही है, ऐसे में विपक्ष ने जो बहन जी को एज ए पीएम प्रत्याशी प्रोजेक्ट किया है, इससे कैसा देखते हैं आप? क्या विपक्ष के पास कोई और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था, बहन जी ही एक विकल्प थी, और बहन जी के जो अब निर्देश के पालन किया जा रहा है, या ये मानिए कि एज ए पीएम उन्होंने प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी एक वो हो सकती है आगे पेंशन की बात? देखिए, देश के पूरे विपक्ष ने बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मान लिया है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी जो बेंगलोर में जो कर्नाटक की सरकार बनी और शपथ समारोह था, सभी विपक्षी दलों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बीच में बैठाया, और बीच में किसको बैठाया जाता है? जो सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है, जो सम्मानित होता है। तो बहन जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने बहन जी का साथ सम्मान किया, आदर किया, और उनको बीच में बैठाया, सम्मान किया। इससे सिद्ध होता है कि सभी ने बहन जी को अपना नेता मान लिया है, और वर्तमान परिस्थितियों में आज पूरे देश में एक लहर चल रही है बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी मैं संडे के दिन हैदराबाद में था, तो वहाँ जो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर इंग्लिश में निकलता है, तो उसमें जो संडे टाइम्स था, उसमें एक लेखिका का लेख आया है, उसमें हेडिंग था कि चाय पीने वाला श्री नरेंद्र मोदी चाय पीने वाला वर्षित दलित की बेटी में 2019 में भारतवर्ष में संघर्ष होगा, चुनाव होगा। तो अब जो एनालिसिस करने वाले हैं वो भी अपना लेख लिख करके जनता को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं, संपादक होते हैं, वो अपनी सही बात लिखते हैं, और जैसा माहौल होता है वैसा ही वो अपनी लेखनी चलाते हैं। तो अब संपादकीय में भी बहन जी को स्पष्ट दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर टक्कर होगी श्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वर्सेस मायावती जी होगी। ये लेखक आजकल लिख रहे हैं, जो कि मैंने पढ़ा था।
एक सर्वे हुआ है, सर्वे में बताया गया है कि अब की बार अगर पूरे भारत में अलायंस के साथ बसपा लड़ेगी तो 100 सीटों से ऊपर आने की उम्मीद है। आप कितना अंदाजा लगा रहे हैं बसपा की बात कितनी सीटें लाएगी लोकसभा चुनाव? देखिए बहन मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर सभी प्रदेशों में पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी बहुजन समाज पार्टी की और सभी प्रदेशों से इस बार बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीत करके आएंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि कम से कम हमारे 100 MP जीत कर आएंगे, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के 100 से भी ज़्यादा MP जीत करके आ सकते हैं, जैसा कि इस समय लहर चल रही है।